जय श्री राम दोस्तों। तो काफी लंबे समय के बाद आज ये मेरा व्लॉग होने वाला है। बहुत टाइम से मैं सोच रहा था लेकिन कर नहीं पा रहा था, तो आज लेकिन एक लंबा प्लान बना है, लंबे टाइम के बाद भी हो रहा है। तो चलो एक नया व्लॉग करते हैं और आगे अब कंटिन्यूस व्लॉग करूंगा क्योंकि करना है, मजा आता है। आज सुबह के 4 बज रहे हैं और तारीख है 9 जुलाई 2023। आज हम लोग निकल रहे हैं गोवा के लिए। गाड़ी है टोयोटा इनोवा और अब यहाँ से मैं अपने घर से सुबह निकल रहा हूँ। 4 बजे का प्लान था लेकिन 4:45 तो यहीं पे हो गया, मतलब मुझे ही 45 मिनट लेट हो चुका है। और अब सब दोस्त लोगों को पिकअप करना है वहाँ पे और पिकअप करके फिर निकलना है ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए। चलो फिर निकलते हैं और इस व्लॉग को बनाते हैं शानदार। तो गाइस अपने बिल्डिंग के गेट से तो निकल गए और अपना जो आज का प्लान है वो है मुंबई टू गोवा बाय रोड। गूगल मैप पे ये करीब 12 से 13 आवर्स का ट्रिप प्लान है, 12 से 13 घंटे का पूरा जर्नी है, लेकिन देखते हैं हम कितने देर में इसको कर पाते हैं। मेरे हिसाब से मुझे लगता है कम से कम 15-16 घंटे तो लग जाएंगे क्योंकि आराम आराम से जाएंगे, सीधी बात है, एंजॉय करते हुए जाएंगे, खाई तो है नहीं। तो चलो फिर आगे अब दोस्त लोगों को पिकअप करते हैं और निकलते हैं, पहले उनसे मीटअप होगा और फिर आगे का फिर क्या कैसा प्लानिंग है वो सब डिसाइड होगा। तो गाइस सुबह के 7 बज चुके हैं और हम लोग पहुंच चुके हैं मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे के एंट्री पॉइंट पे। 7:22 हो गए लेकिन एक्चुअली सबसे मिलवाया नहीं मैं उस टाइम सुबह अर्ली मॉर्निंग, क्योंकि अंधेरा था, कुछ खास दिखता नहीं। वैसे सब नॉन पर्सन है, जान के भी कुछ फायदा है नहीं। नितेश पवार, ओमकार राउत, अजित पवार का भाई माणिक और अरुण यादव, देखो अब कितना किलोमीटर, करीब 50-60 किलोमीटर आए हैं और 500 किलोमीटर और जाना है। तो चलो फटाफट निकलते हैं, लोनावाला का जो चढ़ान वाला ट्रैफिक है वो फटाफट क्लियर हो जाए तो अच्छा है, उसके बाद कुछ खाएंगे पियेंगे। अभी यहाँ छोटा मोटा चाय पानी हुआ, ठीक था। चलो अब आगे बढ़ते हैं। कैसा लग रहा है? तो गाइस एक्सप्रेसवे चढ़ चुके हैं और एक्सप्रेसवे जैसा चाहिए था वैसा ही एकदम खाली है और मौसम तो बहुत साथ दे रहा है अपना, बहुत मजा आ रहा है। मौसम की वजह से बारिश नहीं, धूप नहीं और जैसा चाहिए वैसा। तो गाइस ये हमारा पहला ब्रेकफास्ट का पॉइंट, गारवा दही मिसल। कोई तो टोल नाका है उसके पहले है, बताता हूँ बाकी कौन सा टोल नाका है। अभी यहाँ पे कुछ नाश्ता करते हो अपनी गाड़ी पार्क। तो ये गारवा रेस्टोरेंट और पूना में है तो मिसल पाव तो होता होना चाहिए, अपना मिसल पाव आ गया है। कैसा है टेस्ट, कैसा है पवार? तेरा वड़ा कैसा है ओमकार? अरे जल्दी खा, तेरा पुआ कैसा है? अच्छा है। माड़ी, माड़ी ट्राई कर रहा है पहले। माड़ी तो तरी 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 खाता है। अरे मित्र तरी खाने वाला वड़ा है, वड़ा वड़ा तुम्हारा बटाटा वड़ा पाहिजे पाहिजे। 3 बटाटा वड़ा करो। चलो पहले अभी जब कोई खा नहीं रहा मैं ही खा के देखता हूँ। अच्छा अच्छा मिसल अच्छा, क्या ले लूँ? बड़ा ले ले। तो ब्रेकफास्ट करके हो गया है गाइस, अच्छा था ये गारवा होटल। पूना के साइड आप कभी भी आओगे तो आपको यही मिसल पाव वगैरह अच्छा मिलेगा खाने को, वड़ा खाने को अच्छा मिलेगा महाराष्ट्र में। तो बाकी तो ठीक ही है, भूख लग गया था तो कुछ खा लिए और मौसम हमारा बहुत साथ दे रहा है जैसा चाहिए, ना ज़्यादा धूप है ना बारिश, तो है ही नहीं, चली गई बारिश, प्लस मौसम ठंडा है, हवा भी मजबूत चल रहा है। आपको दिखाता हूँ मैं कितना हवा चल रहा है आगे। और अब पार्किंग से निकलते हैं यहाँ से होटल से और अपने गोवा वाले डेस्टिनेशन की ओर बढ़ते हैं। 7-8 बजे तक तो पहुंच जाना चाहिए। और एक प्लानिंग की, अगर समझो लेट हुआ ना तो हम लोग पहले ही रुक जाएंगे एक फ्रेंड के गांव, जो उनका है ना साथ में, उसके गांव रुक जाएंगे और कल जाएंगे, देखते हैं भाई आगे क्या प्लान होता है। चलो मिलता हूँ आपसे आगे, सब लोग को आने तो फटाफट सब। देख आगे का, देख पहाड़, देख पहाड़, पहाड़ दिख रहा है क्या? तो भैया देखो अब हम पहुंचने वाले हैं सतारा और महाबलेश्वर का ये सामने पहाड़ है, बस यही चढ़ेंगे क्रॉस करेंगे तो महाबलेश्वर आ जाता है। व्यू तो असम है, अब आगे बहुत कुछ असम देखने को मिलेगा अपने को।
तो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसा लग रहा है आपको ये पीछे का व्यू? अभी हम लोग कराट से कोल्हापुर ना जाके रत्नागिरी वाले रोड पकड़ लिए जो कि सावंतवाड़ी होके जाएगा, और रास्ते में अभी थोड़ा सा ब्रेक के लिए रुके हैं क्योंकि यहाँ काफ़ी अच्छा व्यू मिला हमको। तो आप देखो कितना इंजॉयबल व्यू है, और हवा एकदम ठंडी है, एकदम हल्का सा बारिश है जो कि एकदम मज़ेदार है, फुल धमाल है, जैसा चाहिए था वैसा है। यहाँ से जाने का इच्छा नहीं है लेकिन जाना पड़ेगा, बहुत बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत मज़ा आ रहा है। क्या खाएगा? ये है कराट से रत्नागिरी, कराट से रत्नागिरी नहीं, सावंतवाड़ी का रास्ता जो कि बहुत अच्छा है और बहुत मज़ेदार है आने के लिए, फुल इंजॉयबल है, कहीं भी रुक जाओ मज़ा ही मज़ा है। सुबह ब्रेकफास्ट करके गारवा से निकले और वापस खाना खाने को गारवा पहुंच गए, और खाना अच्छा था, चिकन हंडी और रोटी, मज़ा आया खाने में। अब कहाँ है ये जगह अपने को पता ही नहीं, अब मैप लगा के जा रहे हैं गूगल मैप के हिसाब से, लेकिन अच्छा हुआ खाली है कि रात में अभी खाली है तो रात को और अच्छे से खाने में मज़ा आएगा। तो दोस्तों शाम के 6:30 बज गए और गूगल मैप ने हमको ऐसे रास्ते में घुसाया कि हमारा सबका घुस गया, लेकिन अभी क्या करें, अब भी जाके मेन रोड मिला है अपने को काफ़ी टाइम के बाद, तो ज़रा अच्छा लग रहा है। और अब 100 किलोमीटर और बचा है और हमारा प्लान थोड़ा सा चेंज किया हम लोगों ने कि ये कर रहा है, अभी आज गोवा नहीं जाएंगे, आज जाएंगे पहले ओंकार के गांव और गोवा जाएंगे कल, आज रात को वहाँ रुकेंगे कि गोवा जाते जाते रात हो जाएगा, फालतू में उधर रात को करेंगे क्या, वैसे गोवा रात को ही जाने लायक है लेकिन हम लोग क्या करेंगे, हम लोग सड़क जो चलोगे हम जाते हैं पहले गांव में जाके ये सबका हालत टाइट हो गया है। भावेश माडिक तो भाई क्या आवाज नहीं निकल रहा है इसका, ये पवार का भी हवा निकल गया है, बोलते चार्ज कर रहे हैं उसका जो कैमरा है वो, उसका भी हवा टाइट हो गया। अरुण यादव तो है कि नहीं गाड़ी में मालूम ही नहीं पड़ रहा है, बार बार सो रहा है ये वेंचो नहीं बोलने का रहे वीडियो में। अरे वो बीप डाल दे। हाँ ठीक है, चलो चलो दोस्तों, मजा तो आ गया ये रोड पे, अभी 20-25 किलोमीटर रोड तक नहीं चलाया, इधर ही है। तो कैसा लगा आपको खराब रास्ते पे आके चला के गाड़ियों पर? अभी देखो रोड ऐसा आया ना कि गाड़ी उड़ेगा, एक्चुअली हम लोग को गूगल वाला ही सलाह है, थोड़ा सेटिंग वाला, वो कभी भी किसी भी गली में घुसा देता है, पहाड़ के ऊपर से बोलते हैं कूद जाओ, शॉर्टकट मारना है। चलो गूगल के भरोसे हमेशा मत रहा करो, अपना दिमाग चलाया करो, चाय मिल जाएगी, अब मिल जाएगा चाय। तो अभी एक नया आइडिया ध्यान में आया है कि कल हमारे एक मित्र अरुण यादव का बर्थडे है, हमारे ग्रुप में पहली बार ऐसा कोई बंदा है जिसका बर्थडे गोवा में मनेगा, तो पार्टी बनता है कि नहीं आप बताओ, पार्टी बन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या अरुण बाबा पार्टी देगा कि नहीं देगा? फॉरेनर नहीं चाहिए अपने को, अपन शरीफ बच्चे लोग हैं, तुम मंगाओ, तुम गंदे बच्चे हो, तुमको जो करना है करो, हम शरीफ बच्चे हैं, हम मंदिर में दर्शन करेंगे सुबह सुबह और उसके बाद जाएंगे घूमेंगे फिरेंगे थोड़ा एंजॉय करेंगे, खाली पार्टी तुम दे देना, तुम्हारा बर्थडे, केक हम लोग ले आएंगे 100 रुपये वाला, ताकि सब कुछ खाना पीना सब अरुण के तरफ से।